हमारे होस्ट का घर है। ये इको फ्रेंडली स्ट्रीट्स हैं। ट्रिपलिंग करेंगे गोवा में, ट्रिपलिंग में। देखो ये हमने बाय करने का टाइम आ गया हमारा, तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस। हालांकि इसका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, हमारा सफ़र ख़त्म हो गया। ये तो केरला की राजधानी जाएगी तिरुवनंतपुरम। खैर मडगांव देखिए आप, जब तक देखिए ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है। हाँ गोवा का कह सकते हैं अभी तक का सबसे बड़ा स्टेशन मुझे यही दिखा। थीवी मेवी में और भी स्टेशन पड़े थे, इसमें सबसे बड़ा स्टेशन यही है। एक बार चेक कर लें कुछ छूटा तो नहीं हमारा। 4:16 हो रहे हैं, ट्रेन को आना था 3 बजे। खैर बाकी हम थोड़ा सा लेट हो गए, ट्रेन थोड़ी लेट हो गई। ये हम लोग तकरीबन 1 घंटा 16 मिनट लेट। खैर सबसे पहले निकलते हैं मडगांव से, मडगांव रेलवे स्टेशन से बाहर, फिर बताते हैं आपको कि क्या करना है। नहीं 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 कहीं नहीं जाना। खैर टैक्सी वैक्सी कुछ लेना, खुद आ रहा है बंदा लेने के लिए यहाँ पे। ये हर जगह का है ये टैक्सी टैक्सी टैक्सी। कुछ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं टैक्सी वाले। देख रहे होगे आप लोग, कोई जीने वीने नहीं है और यहाँ पे इन्होंने एक स्लिप टाइप बना रखा है। खैर मुझे काफ़ी अच्छा लगा मडगांव रेलवे स्टेशन। लगभग 4:20 हो रहे हैं और हम लोग मडगांव की गलियों में फिर रहे हैं। खैर अभी रेलवे स्टेशन से हम थोड़ा दूर जा रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि हम वहाँ पे काफ़ी लोगों ने परेशान कर रखा था, टैक्सी टैक्सी टैक्सी। थोड़ा दूर जा रहे हैं, सुकून से बैठेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है, होटल लेना है क्या, सब कुछ करना। बाकी थोड़ा सुकून चाहिए तो देखते हैं फिर अभी क्या होता है क्या नहीं होता, बताते हैं आपको। दोस्तों गोवा आने से पहले मैंने काफ़ी लोगों को काउ सर्फिंग पे रिक्वेस्ट डाल रखी थी, मगर फाइनली अभी अभी मैंने देखा कि एक लेडीज़ ने हमारी काउ सर्फिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है और उनका घर भी यहीं करीब में ही है रेलवे स्टेशन के पास। खैर अभी उनका फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा, जैसे ही वो फ़ोन उठाएंगी बाकी हम उनके घर की तरफ निकल पड़ेंगे। थैंक यू सो मच, फाइनली गोवा आते ही पहले दिन एक अच्छी खबर मिली कि हमारा काउ सर्फिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। उन लोगों को बता दूं जिन लोगों को नहीं पता काउ सर्फिंग क्या होती है। काउ सर्फिंग में शॉर्ट में बताऊंगा, आप देखिएगा कल का पूरा दिन मैं काउ सर्फिंग करूंगा। काउ सर्फिंग में हम गैर लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके घर में रहते हैं और अपना एक दूसरे का एक्सपीरियंस एक दूसरे का शेयर करते हैं। बाकी आप भी काउ सर्फर बन सकते हैं, मेन मकसद ये होता है कि किस तरह हम कल्चर आपस में बांटें। खैर कल आप पूरे दिन देखेंगे कि हम किस तरह काउ सर्फिंग करते हैं, क्योंकि हमारी जो काउ सर्फर होस्ट हैं वो अभी सो रही हैं। एक्सेप्ट तो कर लिए हमारी रिक्वेस्ट, मगर इस वक्त सही नहीं लगेगा उनको उठाना। हम लोग काफ़ी जल्दी भी आ गए तो हमारा ये प्लान है कि हम लोग सनराइज़ देख लें कोलवा बीच का। लगभग 6 किलोमीटर दूर यहाँ पे कोलवा बीच है मडगांव रेलवे स्टेशन से, वहाँ पे सनराइज़ देखेंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर अपने काउ सर्फर को कॉल करके उनके घर पर विराजमान करेंगे। खैर जल्दी से सनराइज़ भी होने वाला है, जल्दी से हम देखते हैं निकलते हैं कोलवा बीच की तरफ, कोई टैक्सी लेके, बाइक टैक्सी लेके। ठीक है हे बडीज़ क्या हाल है। खैर देखिए कुछ हो रहा है यहाँ पे काम, खाली बैठे हुए हैं तो हमने कहा कुछ दिखाई दें आपको। तो वो बीच खुला होगा, कोलवा बीच खुला होगा, एंट्री इस वक्त जाने देंगे। तो जैसे कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ कोलवा बीच खुला होगा और जाने देंगे, हम वेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे टैक्सी चलती है, बाइक टैक्सी। अब वो बाइक टैक्सी आ जाए, देखो कोई बाइक टैक्सी अगर आ गई तो उस पर बैठ के हम लोग निकलते हैं कोलवा बीच। यहाँ का नियरेस्ट बीच जो है वो कोलवा बीच है। थक गए हम लोग, बहुत थक गए। जाओ पता करके आओ जल्दी से टैक्सी पे कोलवा बीच के लिए, 150 रुपये तक में जल्दी से। देखिए कितना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है मेरे सामने, मतलब अलग ही फील आ रही है। चलिए भाई मान गया एक बंदा, 150 रुपये में मान गया हमारा एक बंदा। चलो जल्दी आओ, टैक्सी हमारी, ट्रिपलिंग करेंगे गोवा में, ट्रिपलिंग में। देखो ये हमने हमारी टैक्सी है कोलवा बीच तक में छोड़ेंगे। तुम बैठो पीछे बैठूंगा, इतना बड़ा जो बैग है मेरे पास। चलें आते हैं भाई, चलो।
हम लोग चल दिए हैं कोहला बीच की तरफ। 5 बज चुके हैं, 5:15 हो चुके हैं। खैर ये रही हमारी सवारी, 5 या 6 किलोमीटर है, सनराइज़ वहीं का देखेंगे कोहला बीच। कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ पे मडगांव का, कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है। अभी रात का टाइम है, अभी से इतना प्यारा लग रहा है, वह सुबह कितना ज़बरदस्त लगेगा। हम लोग आ गए कोलवा बीच पे, एवरेज बीच है मगर हमें तो टाइम पास करना था, थोड़ा यहाँ पे सनराइज़ देख लेंगे थोड़ा सा, और डायरेक्ट घर पे जाके सोने से अच्छा हमने कहा थोड़ा सनराइज़ देख लें। और देखिए अब वेट कर रहे हैं सनराइज़ का, थोड़ा टाइम बिताएंगे, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी हो सकेगा करेंगे, फिर हम कॉल मिलाएंगे अपने काउ सर्फर हॉस्ट को और फिर उनका एड्रेस लेके हम लोग निकल पड़ेंगे उनके घर की तरफ। बाकी बीचेस तो आप अभी देखेंगे मेरी सीरीज़ में, एक से एक बीच हिडन जेम्स जो गोवा के अंदर है, जो लोग नहीं जानते हम वो भी देखेंगे। अभी टाइम पास करने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पर, थोड़ा मज़े लीजिए बीच के। तो देखिए पता नहीं ये क्या चीज़ रखी है, थोड़ी वहाँ पर बोट रखी हैं, बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत ये देख सकते हैं आप। खैर बस थोड़ी सी देर में यहाँ पे सनराइज हो जाएगा। गाइस हमारा आज का सबसे पहली डेस्टिनेशन मडगांव में यानी गोवा में उतरने के बाद यही है। देख कितनी ह्यूज वेव आ रही है, काफ़ी ह्यूज, ओहो एक के बाद एक, वन ओ भाई ये काफ़ी ह्यूज थी भाई, मुझे जाना पड़ेगा पीछे, पीछे हटना पड़ेगा, मेरा पूरा पजामा गीला हो गया। तो दोस्तों काफ़ी उजाला हो गया है और सूरज भी लगभग आ ही गया है और अब हमें लगता है निकलना होगा यहाँ से। अब हम यहाँ पे निकलते हैं, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल पड़ेंगे अपने काउ सर्फर हाउस के पास। A few inches later. चलो सुबह हो गई, बस भी आ गई हमारी, बोरी हमारी बस आ गई है हमारी। अब निकलते हैं हम लोग मडगांव रेलवे स्टेशन की तरफ, वहाँ उसी के आसपास हमारे हॉस्ट का घर है, एड्रेस हमें मिल गया है, अब डायरेक्ट उनके घर पर ही निकलते हैं हम लोग अपने हॉस्ट के घर पर। ये रही हमारी बस, ये कह रहे हैं जनाब कि 7 बजे तक निकल जाएगी बस, और बस तो देखिए ज़रा एक मिनट के लिए देखिए क्या बस है, अलग ही फील आ रही है। सेंट एंथनी कोलवा बीच से मडगांव तक ही चलती है, कोलवा बीच टू मडगांव। चलो चलते हैं, सामान वामान रखते हैं अपने अंदर। सामान रखते हैं, 7 बजे तक चलेगी यहाँ से बस, चलते हैं फिर। अब तो हम लोग निकल गए अपने हॉस्ट के घर के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट के अंदर हम पहुँच जाएंगे अपने हॉस्ट के घर पे। और सबसे पहले तो बहुत आराम करना है, अभी बहुत थके हुए हम लोग, चलिए फिर मिलते हैं उससे। बहरहाल बस का एक्सपीरियंस अच्छा था, ये बस चलती है कोलवा से और कोलवा से मडगांव तक, 30 रुपीज़ इसका फेयर था, काफ़ी ठीक था। चलिए तो हम उतर गए बस से, होटल रविराज ढूंढना था, होटल रविराज के सामने वाली गली है तो होटल रविराज तो यही है, हम चलते हैं आगे, हो सकता है इसी गली के अंदर है। वाह क्या गलियां हैं, बहुत खुली खुली गलियां हैं, देखिए आप इको फ्रेंडली स्ट्रीट्स, ये इको फ्रेंडली स्ट्रीट्स हैं गाइस।
आई थिंक मुझे आप लोगों को कॉल करनी चाहिए। कॉल करता हूँ उनको, फिर बताता हूँ आपको। 3 hours later तो गाइस काफ़ी लोग थक गए थे, मैं भी उठाऊँ। थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी यहाँ पर और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। तो मैं दिखाना भूल गया, हम लोग अपने होस्ट के घर पे आ चुके थे। हमने वहाँ पे आके एक बात अच्छा सा बात लेके और हम लोग सो गए थे। अभी 3-4 घंटे की नींद ले ली हम लोगों ने। और आपको दिखा दूँ अपने होस्ट का घर, ये हमारे होस्ट का घर है, ये देखिए बिल्कुल लोकल एक्सपीरियंस। ये उनकी स्ट्रीट है, देखिए कितनी ज़बरदस्त स्ट्रीट है उनकी। और जगह जगह पर आपको नारियल के पेड़ मिल जाएंगे। अभी हमारा लंच का टाइम हो गया है क्योंकि हम लोग उठ गए हैं और थकन भी लगभग निकल गई है। अब सोएंगे रात को आराम से। आज हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे मडगांव को वॉक करके। यानी हम लोग अभी कोई इरादा नहीं है स्कूटी किराए पे लेने का। आज पूरा दिन हम वॉक करके आसपास के अट्रैक्शंस को देख लेंगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बारिश भी हुई थी अभी यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अपने होस्ट के घर पर चलते हैं, हमारा लंच ऑलरेडी लग चुका है और काफ़ी अच्छे होस्ट हैं। मैं कोशिश करूँगा उनको अपनी वीडियो में लाने की। चलिए चलते हैं अपने घर के अंदर और लंच करते हैं अपना। यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं इसलिए यही चल रहा है सब कुछ। खैर ये तो हमारा लंच लग चुका है गाइस। ये फिश फ्राई, राइस और ये हमारी कड़ी, और इसको चखते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और नहाकर हम अच्छे वो सो गए, थकान उतर गई। अब ये कि अब कहीं जा सकते हैं, वरना बहुत अजीब सा लग रहा था बहुत। एक रूम है अंदर। अच्छा एक रूम अंदर भी है, ओके। छोटे 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 रूम्स हैं यहाँ पे। ये एक रूम और कुछ स्पेशल तरह की यहाँ की फेंसिंग है, ये बनाया गया है स्पेशली बरसात को देख के डिज़ाइन कराया गया है। खैर छोटे छोटे रूम्स हैं यहाँ पे, इसका अभी आपको स्पेशली एक रिव्यू देंगे पूरा। हमारा रूम क्या दिया, हमारे होस्ट ने हमें कैसा रूम दिया, बाकी सबका। सीरियसली गाइस हमारा पहला लंच गोवा में आके पहला लंच था, बहुत मज़े का। लिटरली जो कड़ी थी यहाँ की कड़ी वो नहीं भूल पाऊँगा बिल्कुल भी। चावल के साथ कड़ी, मछली कड़ी, फ़िश कड़ी, चावल के साथ फ़िश कड़ी डाल के खाई और उसके साथ एक फ्राइड फ़िश का पीस, यानी कड़ी भी फ़िश की और फ्राइड फ़िश का पीस उसके साथ, यानी लगभग लगभग कंप्लीट चीज़ यहाँ पे फ़िश में बनी थी। और ऊपर से हमें कुछ थोड़ा सा कोकोनट का कुछ भाजी, कोकोनट भाजी थी। तो मेनली मुझे लगता है अगले आने वाले दिन तक मुझे यही चीज़ें मिलेंगी, फ़िश एंड कोकोनट। तो रेडी होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अभी हमारा पहला लंच था। खैर घर काफ़ी अच्छा है हमारा होस्ट का, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छी स्ट्रीट है। देखिए घर थोड़ा सा इसको में, तो ये हमारा घर है, ये हमारा होस्ट का घर है। अभी आपको अपने रूम का रिव्यू भी दे ही देते हैं। ये हमें जो रूम दिया है इन्होंने, इन लोगों ने, तो दिखाते हैं आपको अपना रूम। लाइसेंस ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअली लाइसेंस के बारे में पूछ रहे हैं और काफ़ी हेल्प करी इन लोगों ने हमारी। खैर आपको रूम दिखाते हैं, ये हमें फ्लैशलाइट खोल देता हूँ। ये हमें रूम दिया गया था, कैसा भी है बहुत बढ़िया है। देखिए हमारा एक रूम दिया गया है इनको, वही फेंसिंग ऊपर से, और ये एक बेड, काफ़ी बड़ा बेड है, इसके ऊपर आराम से दो लोग आ सकते हैं। हमारे बैग्स, एक हमारा बाथरूम यहाँ पे दे रखा है, बाथरूम। खैर और काफ़ी अच्छा स्पेस है और एक सेपरेट स्पेस है जिसमें आराम से बैठ के मैं वीडियो एडिटिंग और कुछ भी कर सकता हूँ। खैर और क्या चाहिए। और यहाँ पे जब हम आए यहाँ पे इस नरम नरम बिस्तर पे हमने आराम करा और अब फाइनली रेडी हो गए एक्सप्लोर करने के लिए मडगांव को। तो चलते हैं, पहले फ्लैशलाइट बंद कर लें।
तो दोस्तों मेरी काउच सर्फिंग रिक्वेस्ट श्रुति नाम की लड़की ने एक्सेप्ट करी थी और उससे मेरे कॉन्टैक्ट भी शेयरिंग हो गई थी। जैसे ही हम लोग उसके घर पर पहुँचने लगे उसके पास से कॉल आई, उसको कुछ इमरजेंसी वगैरह थी तो उसको कहीं जाना पड़ा, तो उसने अपने नेबर में या उसके रिलेटिव्स में जो भी हैं उनका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिया और उसने मुझसे कहा कि आप इनके यहाँ पर रुक जाइए, मैं इनसे बात कर लूँगी। बस हम लोग उन्हीं के घर पर, हालाँकि हमें अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हमारा जो मेन काउच सर्फर होस्ट था उसने, उसको इमरजेंसी थी, हमने कहा नहीं हम होटल ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं। बाकी उन्होंने फोर्स करा और उन्होंने अपने या शायद इनके रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ हमें रुकने का मौका दिया। और फाइनली गाइस यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा नहीं हमारा डिसीज़न बहुत बढ़िया था, खैर बहुत बढ़िया डिसीज़न रहा, ये लोग काफ़ी अच्छे हैं। बाकी इन लोगों को मैंने कहा कि मेरी वीडियोज़ में आने को, तो इन्होंने मना कर दिया, तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ये बाकी सो फार सो गुड, मुंबई का निकल के लाइन चुरा ली, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद साउथ गोवा में। A few moments later. चलो चलते हैं, हम लोग निकलते हैं। अभी सबसे पहले हमारी जो डेस्टिनेशन है, सबसे पहली हमारी डेस्टिनेशन है चर्च ऑफ हॉली स्पिरिट मडगांव की। वॉकिंग डिस्टेंस तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपने देख लिया हमने किस तरह काउ सर्फिंग करी। हालांकि हमारी काउ सर्फर को बाहर जाना पड़ा, उसने अपनी, ये इनकी बुआ है, इनके घर पे हम रुके हैं, बाकी आगे देखिए बहुत मजा आएगा। अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हमने किस तरह मडगांव घूमा, हमने स्कूटी नहीं ली, हमने देखा क्या हम बिना स्कूटी के सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी हमने एक दिन बिना स्कूटी के घूमा क्या क्या परेशानी आई, तो देखेंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अपनी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं।